स्वागत है आपका बी आर टेक फिल्म्स में। और आज मैं आपको ये बताऊंगा, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप अपने सेट टॉप बॉक्स को या इस तरह के स्मार्ट टीवी बॉक्स को लैपटॉप में कनेक्ट करना चाहते हैं या मोबाइल में। दूसरी बात, इसी तरह का अगर आप 4K स्मार्ट टीवी बॉक्स या एंड्रॉयड टीवी बॉक्स पुराने टीवी में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूर नहीं है कि HDMI केबल। अब पुराने टीवी में तो HDMI केबल लगती नहीं, तो वहाँ पर भी ये कनेक्ट हो जाता है। कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप देख रहे हैं BR टेक फिल्म्स। अमेजिंग टेक वीडियोस पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बता दूं कि पहले मैं चीजों को साइड में रखता हूं। अगर आपके पास पुराने वाला टीवी है और आप इस तरह का एंड्रॉयड टीवी बॉक्स जो है उसमें लगाना चाहते हैं तो आप यहां देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं AV। ये देखिए, यहां पे AV का ऑप्शन है। तो AV के लिए इस तरह से आपको ये केबल जो है अलग से खरीदनी पड़ेगी। वैसे पूरी केबल भी आती है, ये खाली एक जैक है। तो इस तरह से लगा के HDMI की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप अपने पुराने टीवी में जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। बस आपको यहाँ पे AV की तार लगानी है, पुराने टीवी में लगाना है और इसको ऑन कीजिए, पुराने टीवी में लग जाएगा। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, इसको या सेट टॉप बॉक्स को अगर आप अपने लैपटॉप में देखना चाहते हैं या मोबाइल में देखना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मोबाइल के ऊपर कि मोबाइल में आप कैसे जो है अपना सेट टॉप बॉक्स या अपना कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें AV का आउटपुट है बिना टीवी ट्यूनर के आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो सेम प्रोसेस रहेगा लैपटॉप का, लेकिन लैपटॉप में होता क्या है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट आता है हमारे पास इस तरह का, दिखा देता हूँ। ये आता है हमारे पास में Easycap। तो इससे मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है आपका सेट टॉप बॉक्स, ठीक है। और इसकी जो कीमत है ऊपर नीचे रहती है, थोड़ी 600-700 के अंदर रहती है। तो वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इसका। ये अमेज़ॉन से मिल जाएगा आपको Easycap। और अगर आपको स्मार्ट टीवी बॉक्स लेना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, प्लस इस वाले बॉक्स का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये गेयरबेस्ट से मिलता है, ये अमेज़ॉन से मिल जाएगा। ये मोबाइल में भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन मोबाइल के लिए अलग से OTG केबल। तो मोबाइल में जिसको कनेक्ट करना है वो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ वो ज़रूर देखिए कि मोबाइल में कैसे कनेक्ट होता है आपका सेट टॉप बॉक्स। इंटरनेट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। अब ये सिंपल सा है Easycap जो ये प्रोडक्ट है, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, ठीक है। तो अभी इसकी मैं अब अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी ये जो है चलता है। इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको क्या करना है, इसको तो आपको अपने लैपटॉप में जो है प्लग इन कर देना है, वो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स, जैसे मैंने बताया कि AV से हम कनेक्ट करेंगे, HDMI से कनेक्ट नहीं करेंगे। लैपटॉप में HDMI इन नहीं होता, लैपटॉप में HDMI आउट होता है। तो यहाँ पे हम AV के इस वाले केबल की मदद से जो है इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें एक AV की केबल चाहिए होगी जो कि मेरे पास यहाँ पे है। कनेक्टिविटी दिखाऊंगा और फुल स्क्रीन में कैसे चलता है वो भी बताऊंगा आपको इसी वीडियो में मैं। तो लैपटॉप में आपको कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये वाला प्रोसेस मेरा वाला जो है फॉलो करते हैं। मैं लैपटॉप में सबसे पहले जो है Easycap प्लग इन करता हूँ। तो Easycap जो है मैंने लैपटॉप में प्लग इन कर दिया है इस तरीके से USB पोर्ट में। और देखिए यहाँ पे Easycap में एक ग्रीन लाइट जलने लग गई है। अब ये Easycap में जो है इनपुट ले लेगा। अब यहाँ पे आपको ऑडियो वीडियो की तार लगा देनी है और इस तरह से आप अपनी फटाफट जो है ऑडियो वीडियो की तार मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे ये वीडियो की लग गई मेरी और ये ऑडियो की लग गई, मैंने ऑडियो की तार लगा दी है और बस ये रेडी है। अब इसको आप चाहे तो सेट टॉप बॉक्स में कनेक्ट कीजिए या किसी भी ऐसे गैजेट में जिसमें AV का आउटपुट है और उसकी स्क्रीन आपके लैपटॉप में आ जाएगी। लेकिन लैपटॉप में फुल स्क्रीन कैसे चलेगा वो ज़रूर देखिए, और मोबाइल में कनेक्ट करना है तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। मोबाइल में भी इसी तरह होगा, लेकिन OTG केबल लगानी पड़ेगी और मोबाइल जो OTG सपोर्ट करता है उसी में लगेगा। तो यहाँ पर मैं ये एंड्रॉयड TV बॉक्स लगा रहा हूँ, इस पर कनेक्ट कर रहा हूँ लैपटॉप पर इस तरह से। अब मजे की बात यह है, यहाँ पे हम कोई ड्राइवर नहीं लगाएंगे, बिना ड्राइवर के चलेगा। मैं एंड्रॉयड TV बॉक्स को जो है पावर भी दे देता हूँ, यहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ। ये एंड्रॉयड TV बॉक्स भी हमारा जो है ऑन हो गया है, अगर आप देखें तो इसमें लाइट आ गई है। यहाँ पे Easycap चालू हो गया। अब हमें लैपटॉप में क्या करना है वो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि लैपटॉप में किस तरह से जो है इसका फुल स्क्रीन आएगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से कनेक्टिविटी हमारी जो इजीली हो गई है। मैंने इस एंड्रॉयड TV बॉक्स को जो है लैपटॉप पे चला लिया है, यानी कि अब वैसे देखिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे इसी चीज़ को लेके, इसीलिए इस वीडियो को मैं अच्छे से डिटेल में आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़। अब पहले देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार। मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन लगाई है अपने Easycap में, क्योंकि मेरा इधर का पोर्ट्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये Easycap लगाया और ये रहा हमारा एंड्रॉयड TV बॉक्स। अब ये एंड्रॉयड TV बॉक्स के कनेक्शन मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से Easycap में लगेगा।
इजी कैप में जो है यहाँ पे ग्रीन लाइट आ जाएगी, ठीक है, इसी तरह से मोबाइल में कनेक्ट होगा और उसके बाद में आपके लैपटॉप पे मीडिया प्लेयर क्लासिक या वीएलसी प्लेयर में आप जो है इसको स्ट्रीम कर सकते हैं। मैं मीडिया प्लेयर क्लासिक को जो है प्रेफर करता हूँ और मैं साथ ही साथ में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेम थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरा एंड्रॉयड टीवी बॉक्स जो है काफ़ी पीछे हो गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये रहा हमारा एंड्रॉयड टीवी बॉक्स। अब आप स्क्रीन पे अगर आप देखें गौर से तो देखिए यहाँ पे ये इजीली जो है चल रहा है ये रिमोट से, ठीक है, और ये एवी के थ्रू कनेक्टेड हुआ है इजी कैप की मदद से। कनेक्शन मैंने आपको ध्यान से दिखा दिया है, कनेक्शन आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था किस तरह से होगा। अब लैपटॉप में आप चाहें तो इसके सॉफ्टवेयर में, जो इसके साथ में एक सॉफ्टवेयर मिलता है, ये इस तरह का सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके इसमें भी चला सकते हैं, लेकिन फुल स्क्रीन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे फुल स्क्रीन मिल जाएगा कैसे, अब देखिए मैं सेंटर पे डबल क्लिक करता हूँ लैपटॉप में, तो यहाँ पे देखिए ये फुल स्क्रीन हो गया है। सेटिंग्स क्या करनी होगी लैपटॉप में, अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ प्ले करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको रिमोट दिखा रहा हूँ कि इजीली जो है रिमोट इसका काम कर रहा है। अब मैं सेटिंग्स बता देता हूँ आपको लैपटॉप में क्या करना होगा। तो लैपटॉप में अभी क्या करना है, सबसे पहले मीडिया प्लेयर क्लासिक में जाना है और यहाँ पे व्यू के ऑप्शन में जाना है और सबसे नीचे यहाँ ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे कैप्चर में आ जाएगा, यहाँ पे आप एवी टू यूएसबी सेलेक्ट करेंगे, माइक्रोफोन में भी एवी टू यूएसबी, और कंट्री में कुछ भी सेलेक्ट कीजिए लेकिन पीएएल वाला सिस्टम आप सेलेक्ट कीजिए। तो उससे क्या होगा कि ये जो है इजीली, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंट्री में आप कुछ भी सेलेक्ट कीजिए, पीएएल वाला सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सेटिंग्स आपको करनी है, एवी टू यूएसबी माइक्रोफोन, और इसको आपको जो है ओके कर देना है। फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ऊपर व्यू में जाना है, व्यू में सबसे नीचे ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शंस में आपको ये कैप्चर डिवाइस दिखेगा, ये लेफ्ट साइड में देखिए कैप्चर है, कैप्चर में आपको एवी टू यूएसबी सेलेक्ट करना है और इसको ओके कर देना है। बस इतनी सी आपको सेटिंग करनी है, उसके बाद मीडिया प्लेयर क्लासिक में ये जो है आपका डिस्प्ले आ जाएगा। किसी भी डिवाइस का सेट टॉप बॉक्स हो, कोई और गैजेट हो जिसमें एवी का आउटपुट है, तो वो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएगा। मोबाइल में चलाने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देख लीजिए कि मोबाइल में किस तरह से जो है इसकी स्क्रीन आएगी। तो ये काफी आसान तरीका है, मैं मीडिया प्लेयर क्लासिक को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, वीएलसी में भी आप इसको स्ट्रीम कर सकते हैं। प्लस दूसरी बात यह है कि आप चाहें तो जो भी आप इसमें देख रहे हैं, यानी अगर आप लाइव टीवी चला रहे हैं तो टीवी चला सकते हैं। मैंने तो आपको अभी सिर्फ एंड्रॉयड टीवी बॉक्स कनेक्ट करके दिखाया, तो उसे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं किसी और अमेजिंग टेक की वीडियोस में बीआर टेक फिल्म्स पे। तब तक के लिए धन्यवाद।